बहुत लंबी यात्रा हमने भारतीय जनता पार्टी में तय किया और 24 साल कम नहीं होता है। हम जहां से चुनाव लड़ते रहे हैं तो वहां कमल कभी नहीं खिला था और पहली बार हमने कमल खिलाने का काम किया और लगातार हम देश दुनिया से बहुत मतलब नहीं रखते थे, हम सिर्फ क्षेत्र से मतलब रखते थे और जनता से मतलब रखते थे। हमने रात को रात कभी नहीं माना, कभी नहीं समझा, हर समय हम जनता के साथ खड़े रहे। लेकिन ऐसा परिस्थिति खड़ा हो गया जब 24 का हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा हो गया टिकट, तो मुझे घोषणा हो रहा था तो मुझे कहा गया कि आप बरहेट से चुनाव लड़िए। तो बरहेट से हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? हमारा कहने का मतलब है कि हम जहां पर समय दिए हैं, एक होता है ना, एक ईंटा, बालू, हवा, पानी, ये सारे चीज़ों एक हम चिर परिचित वहां से हैं, तो इसीलिए हमने डिनाई कर दिया। और आपको हम बता दें कि हमने अपने जीवन को जनता के सेवा में समर्पित कर दिया है। हम कॉलेज सर्विस में थे, कॉलेज सर्विस से हम रिजाइन दे के सीधे सीधे जनता को सेवा करने का संकल्प ले लिया। तो अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जनता का अगर हम सेवा करेंगे तो उसके लिए एक मंच चाहिए होता है, और अगर वो मंच नहीं मिलेगा तो हम उनका सेवा तो करते रहते हैं लेकिन जिस रूप में करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो वैसे समय पर मेरे लिए एक आत्मा ने पुकार दिया और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं। तो ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा परिस्थिति आ गया कि 24 साल से अनवरत सेवा करने वाली महिला को आज आपने उससे वंचित कर दिया, और उस परिस्थिति में हमको बेसहारा या असहाय जैसे हो गए। तो हेमंत जी ने हमें सहारा दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किए और हम निश्चित रूप से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के सदस्य हैं। हम निश्चित रूप से संकल्प लेते हैं कि आज जिस नए परिवार में आए हैं हम अंतिम समय तक इसमें सेवा करेंगे, अपने तन से, मन से, धन से जितने बन पड़ता है, और जो गुरुजी बाबा का जो सपना रहा है उस सपना को पूरा करने के लिए संकल्प लेते हैं। और हेमंत जी का सहयोगी बनके, झारखंड को आगे बढ़ाने में हम एक साथी बनके रहेंगे। आपको कहा गया था अब यहाँ आ गई हैं तो यहाँ चुनाव आपको लड़ना है, तो अब आप कहाँ से चुनाव लड़िएगा? यहाँ हमने ऐसा नहीं कहा है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत जी के ऊपर है, वो जहाँ से चुनाव लड़ाए हमने इनके ऊपर छोड़ दिया। नहीं, हमने कुछ नहीं कहा है, ये हमने इनके ऊपर छोड़ दिया है कि ये हमको कहीं से चुनाव लड़ा। जी भी मेरे साथ हैं जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में शामिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं तो एलुमनाई रहा हूँ तो इसलिए मेरे लिए तो कॉलेज में वापस आने वाली बात है, लेकिन बारी मुर्मू जी जो जिला परिषद की चेयरमैन है, देखिए राजनीति में प्रतिद्वंदी रह सकते हैं, राजनीति का वो हिस्सा है, और समीर मोहंती जी आज उसी परिवार में है, मैं उस परिवार में पहले भी रहा हूँ, आज मैं परिवार में वापस आया हूँ, तो बस यही बात हुई। कितना मजबूत कर पाएंगे जेएमएम को? देखिए वो तो परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि कोल्हान में 2019 में जो परिणाम आए थे 2024 के विधानसभा के चुनाव में भी वही परिणाम रिपीट होने जा रहे, इतिहास अपने आप को दोहराएगा 24 में। समीर मोहंती या कुणाल सर? पार्ट मैंने कहा मैं चुनाव कौन लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, इस बारे में निर्णय हेमंत सोरेन जी को लेना है, वो परिवार के मुखिया हैं,
वो बेहतर जानते हैं किस व्यक्ति का यूटिलाइजेशन कहाँ पर बेहतर तरीके से हो सकता है। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है कुणाल जी, सफल हो पाएंगे? कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं? आप जिस तरह से बोले उस तरह से मैं बोल रहा हूँ जी। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आज हमारा सबका जो एक सामूहिक हम लोगों का उद्देश्य है कि जिस पार्टी ने पूरी दुनिया को परिवारवाद पर भाषण दिया कि सभी अन्य पार्टियों में परिवारवाद है, आज पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसमें से 3 सीटों पर कौम उम्मीदवार है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हर उस मापदंड को इन लोगों ने अपने अपने जो आप कह सकते हैं दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा पार कर दी है। हर विषय को कोई और करे, आप करे तो कैरेक्टर ढीला, मैं करूं तो रास लीला, ये स्थिति है इनकी जो आज जो हालत इन लोगों ने बना दी है। तो सारे लोगों को ये जानना चाहिए कि किस तरह के दोहरे मापदंडों के साथ ये काम कर रहे हैं पूरे देश में। और मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बार जो चुनाव होगा, हेमंत है तो हिम्मत है तो पहले था, अब हेमंत ही हिम्मत है, झारखंड में ये बात जाएगी और लोग माकूल जवाब देंगे भारत।